हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छा एक बिहार में, अभी आप लोगों को पता होगा कि पेपर एक रद्द हुई है बिहार पुलिस की, पर दूसरी एक बहुत ही अच्छा अपडेट आई हुई है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड एक वैकेंसी निकल के आने वाली है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें आने वाली है, कौन कौन से लोग स्कूल अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक के बीच में एग्जाम डेट मतलब हो सकती है फिक्स उसका, और इसके साथ साथ इसमें सिलेबस क्या होगा, सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे दोस्तों अभी इस वीडियो में। और इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्टें में भर्ती आई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बिहार पुलिस कांस्टेबल, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के तहत भर्ती निकल के आने वाली है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है, ये टोटल पोस्ट कितने हैं, ये 19,469 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। यानी कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अभी 21,000 कुछ पोस्ट था, लगभग 21,500 का समथिंग पोस्ट था, तो उसका पेपर कैंसिल होकर उसका एग्जाम डेट भी अभी अपडेट हो गया है। तो देखिए कब तक होता है क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए जो कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है, ये 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। और जो लोग अदर जैसे कि कास्ट वाले जो होते हैं, जैसे कि OBC ST SC वाले, इन लोगों के लिए जो छूट होती है इसके बाद, इसमें छूट उन लोगों को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, आपके पास कांस्टेबल बनने के लिए यानी कि सिपाही के लिए कम से कम आपके पास 12th पास होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 या 4 चरण होती है, जैसे कि सबसे पहले रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट के बाद अपने फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, ठीक है। आप एग्जाम सिलेबस इसमें GK GS मैथ्स करेंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश ये सभी मिला करके टोटल 100 मार्क्स की क्वेश्चन बनती है, 100 नंबर की होती है दोस्तों। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे अच्छा बेनिफिट है कि इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है ये नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें टोटल मार्क्स 100 है। अब सबसे पहले मुख्य चीज ये है कि भर्ती कब तक आने वाली है। तो हो सकता है कि ये अक्टूबर के जो चल रही है इसके लास्ट मंथ के लास्ट वीक में आने वाली हो, मतलब कंफर्म हो जाए, या अपने नवंबर के फर्स्ट वीक तक आने वाली। पर जो आप लोग अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, आप एग्जाम दिए हैं, तो प्रोसेस में लगे रहिए, क्योंकि ये भी भर्ती बहुत जल्द निकल के आने वाली है। और उसके बाद इसकी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अपना 21,000 वाला जो पोस्ट अभी रद्द हुई है तो उसके पेपर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है सबसे अच्छा है, इसमें भी उसी के आसपास लगभग सीटें हैं, 1-2 हजार के कम या आधे के डिफरेंट है तुम आपको, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं देखता हूँ कि इसकी कब तक नोटिफिकेशन आती है, और जस्ट इसकी नोटिफिकेशन आउट होगी तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।